ब्याहता सुनीता से मिलते हैं, वैवाहिक जीवन शुरू होता है, प्रारंभ होता है, और इधर अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर आए, सुनीता से मिले, कुछ दिन थोड़े ही दिन मिले हुए, ए मेरी माता बहनों मेरे बुजुर्गों, तुरंत जंग छिड़ जाती है और सीओ साहब का फोन आ गया, कहा कि वीर जवान मदन सिंह तुम इसी वक्त, तुम्हारी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई लेकिन अब तुम्हारी छुट्टी काट दी गई है, तुम वापस आ जाओ, भारत माँ ने तुम्हें याद किया है। वो मदन सिंह की ब्याहता सुनीता खड़ी हो जाती है दरवाजे पे, जो कहते हैं कि पियाजी अभी आप अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आए हो, हर फौजी जवान को 2 या 3 महीने की छुट्टी मिला करती है, लेकिन तुम्हें तो अभी 15 दिन भी नहीं हुए तो तुम मुझे वापस छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैंने क्या सुख देखा है। तो यहाँ दोनों के सवाल जवाब होते हैं आमने सामने, एक एक बोल, लेकिन वो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी उस बहन सुनीता को जिसने अपने सुहाग को हंसते हंसते भारत माँ की रक्षा करने के लिए भेज दिया, रक्षा करने के लिए भेज दिया। आज मैं अमर शहीद बदन सिंह का रोल अदा करूंगा आपके बीच में, और मेरी सहगायिका आप लोगों की चहेती लाडली कलाकार मैडम दीपा आपकी बेटी सुनीता का रोल अदा करेगी। सुनेंगे यहाँ के बोल, पहला प्रारंभ, पहला अध्याय शुरू करने के लिए जा रहा हूँ भाई के जीवन से, भाई बदन सिंह के से, आइए चलते हैं। हेलो, कहिए प्यारी सुनीता, ये आपने इतनी सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी कर दी? मैंने, मेरे पास में एक बुलावा आया है। किसका बुलावा? मेरे सीओ साहब का फोन आया है, मेरी भारत माँ ने मुझे याद किया है, ले मेरी भारत माँ की मिट्टी ये चंदन से कम नहीं, ले मेरी प्याही, मेरे तिलक कर और मुझे हंसी खुशी विदा कर, ताकि दुश्मन की गोलियों का जवाब मैं अपने तोपों से दे करके आऊं। ये आपकी अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है? आप इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? क्या, ये तो सरकारी ऑर्डर है, ये तो बिरले ही इंसान को मौका मिला करता है अपनी भारत माँ की रक्षा करने का, और तू कहती है कि नहीं, ऐसा कदापि तेरे मुंह से शब्द अच्छे नहीं लगते। लेकिन पियाजी, हाँ, मैंने अभी आपसे अच्छी तरह बातें भी नहीं की, तो फिर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कुछ दिन और रुक जाइए पियाजी, फिर चले जाना। नहीं रुक सकता, भारत माँ की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, अगर भारत माँ के काम आ गया तो दोबारा आकर के सुनीता तुमसे मिलूंगा, और नहीं आ सका, भारत माँ की गोद में सो गया तो समझ लेना तू एक बहुत बड़ी छत्रानी है, जिस उस छत्री की विधवा कहलाएगी जो आज अपने भारत माँ के लिए कुर्बान होने के लिए जा रहा है। आप जाना चाहते हो? बिल्कुल। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। तो जाइए पियाजी। तो सुन, मैं हंसते हंसते आपको भेजती हूँ। अच्छा, हाँ। तो धन्य है तेरे माता पिता को, धन्य है तेरे पूर्वजों को, और धन्य है तेरे उस पिता को जिसने तुम्हें शिक्षा दी है, प्याही शिक्षा दी है, ले मेरी चंदन से मेरा टीका कर, ताकि दुश्मन मेरे टीके को देख करके मेरे सामने नहीं खड़े हो सके। कहिए। सुन, तिलक लगइए तू, हंसते हंसते विदा कर रही हूँ। हाँ करिए, लेकिन मेरी उम्मीद को तोड़ मत देना। कहिए। देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो के जाइए तू, देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो के जाइए तू, हर भारत माँ की मिट्टी तारी, भारत
चाहिए तू देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो के जाइए तू देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो के जाइए तू देने के लिए जा रहे हो तेरा साथ चाहिए तेरा प्यार चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन को देखकर उल्टे भागी आओ ए सुनीता ये हमारे खून में नहीं ये भारत माँ के लालों के अंदर नहीं तो दुश्मन को पीठ दिखा करके भागा है ये तो डट के मुकाबला करते हैं जानते ही दुश्मन का किला तोड़ना है अच्छा लेकिन सुन मैं जा रहा हूँ तुझे क्या करना है क्या करना है मुझे कहीं शुक्र मनाती रहिए गोरी हिंदुस्तानी की जाते ही किला तोड़ दुश्मन का कसम तन मेरी जवानी की जाते ही किला तोड़ दुश्मन का कसम तन मेरी जवानी की तेरी आंखों में आंसू आ रे नहीं आंखों में आंसू आ रे और बात करे मर्दानी की राम राम मेहमान लिए कोए दे जा चीज निशानी की राम राम मेहमान लिए कोए दे जा चीज निशानी की हर सुबह के मत ना रोवे सुबह सुबह के मत ना रोवे सुबह सुबह के मत ना रोवे दिल की खोल सुनइए तू देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो के जाइए तू देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो के जाइए तू ओ छोरे फौज में मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे पियाजी इस देश के काम आ रहे हैं इस भारत माता की रक्षा के लिए मेरे पियाजी जा रहे हैं लेकिन ब्याही सुनीता आज तू मुझे हंसी खुशी भेज रही है ये भी एक मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है मैं भी उस परमात्मा से दुआ करूंगा इस जन्म में तो मैं तेरा साथ पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार हूँ अगर भारत माँ के लिए काम आ गया और बीच में मेरा तेरा बीच टूट गया तो उस ऊपर वाले से यही विनती करूंगा कि हे परमात्मा अगर मुझे इंसान का जन्म मिले तो मुझे उस जन्म में मेरे ब्याहता के रूप में सुनीता ही मिलनी चाहिए ना कि कोई और मिलनी चाहिए पिया जी हाँ। मुझे भरोसा है ऐसे शब्द मत कहिए मुझे विश्वास है कि आप दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर वापस आओगे अच्छा। और हम भी किसी से कम नहीं हाँ। अगर तुम माँ भारती के शेर हो तो हम माँ भारती की रानी लक्ष्मी बाई हैं हम माँ भारती की दुर्गा हैं हंसते हंसते आपको भेजने को तैयार हूँ और जाकर उस दुश्मन को ललकारना और ये कह देना कि ये बाप जो ख्वाब देखता है जो तू सपने देखता है ये तेरे सपने माँ भारती के लाल कभी पूरे नहीं होने देंगे कि ये बाप तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा कि ये बाप तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा और तू किस्मत का मारा है और मारा ही रहेगा तेरे हर सवाल का जवाब करारा था करारा ही रहेगा और कान खोल के सुन ले पाकिस्तान कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा ऐसे जाकर दुश्मन को ललकारना पिया जी तो मेरी प्यारी सुनीता सुन तेरे पति का जवाब
सुन ही मरने ते न डरिया करे हम भारत की दुर्गा है सदा कौन की खातिर मरिया करे हम भारत की दुर्गा करे। जानती हूँ और जिस दिन मेरी तुम्हारी शादी हुई थी जब अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हारे साथ फेरे लिए थे ये बात तो मैंने अपने दिमाग में उसी दिन बिठा ली थी। कौन सी? जो आप कह रहे हो। अच्छा, कि इस देश के लिए नौजवान को कभी भी अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। न जाने दुश्मन की कौन सी गोली हमें निशाना कर जाए। हाँ। भारत माँ की फौजी की बहू ब्याहली होते ही मांग बना तो दोबारा मिलूंगा हर जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे मत दिल में घबराइए तू देश की खातिर विजेंद्र कैप्टन साहब वो आकर के मंच पर मंच की शोभा बढ़ाए लेकिन कृपया ही तू भी दुआ मनाती रहना कि मैं उन दुश्मनों को जा करके इतना मजा चखाऊं एक मेरी दुर्गे भवानी का प्यार और उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे। आप जा रहे हो। हाँ। लेकिन जाने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना पिया जी। अच्छा। हाँ। ये जरूर लेकर के जाऊंगा तो सुन मेरी प्याही कहिए हर से दुआ मनाइए तू मात पिता की दुआ लिए और प्रीत मेरी ले जाइए तू मात पिता की दुआ लिए और प्रीत मेरी ले जाइए तू घर में मर गया तो मैं मर गया तो मेरी प्यारी गंगा में फूल बहिए तू ऐसे बोल बोल के साजन मत छाती नहलाइए तू ऐसे बोल बोल के साजन मत छाती नहलाइए तू और जय हिंद करके चाल पड़ा परी जय हिंद करके चाल पड़ा हो जय हिंद करके चाल पड़ा परी मेरे ध्यान हटाइए तू देश की खातिर ओ पिया जी राखी हो के जाइए तू देश की खातिर ओ पिया जी राखी हो के जाइए तू Oh,
जाने का वक्त हो गया है, सिर्फ एक दो मिनट बाकी बची हैं। जो मुझे तुमसे कहना था वो तो कह लिया, लेकिन जाते जाते दो बोल प्यार के हो जाए, फिर पता नहीं दोबारा मिल भी पाऊँ या ना मिल पाऊँ। ऐसा बार बार मत कहिए, मुझे भरोसा है कि आप वापस आओगे। अच्छा? और जब आप विजयी भाव होकर आओगे, हाँ, तो आपकी पत्नी सुनीता अपने पति का भव्य स्वागत करेगी, आपके नाम के मंगल गीत गाऊंगी, आपका आरती करूंगी और घर कुंबे में खुशी मनाऊंगी कि आज मेरे पति दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर आए हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन तो प्यार की बातें हो जाए, प्यारी कहिए प्यारी। गई है तू